पटाखों के साथ, मैं कह रहा हूँ दिखाइए जरा किस तरीके से पटाखों के साथ यहाँ पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दे पे वोट है हमारा, सभी मुस्लिम भाइयों का विकास के मुद्दे पे वोट है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जबरदस्त शोरों पर है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है और घड़ी की सुई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इस वक्त मैं लोनी पहुंचा हूं। गाजियाबाद में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था और यहां पर उन्होंने रैली की थी। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर लोग जो हैं वो प्रचार में शामिल हो रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं ठीक मस्जिद के सामने, ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम लोग इधर भी हैं, मेरे राइट साइड में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी लोग हैं। इनसे मैं इनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। ये आम जनता है जो बैठी हुई है, इनके मन में क्या है, क्या योगी के आने के बाद कुछ माहौल यहाँ पर बना है या यहाँ पर चुनाव कैसा है। वैसे लोनी बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनती जा रही है, हर कोई इसी सीट पर अपनी राय रख रहा है। और इस वक्त यहाँ पर लाइट जाती हुई लोगों से बातचीत करेंगे। क्या हाल है जी? नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे तो उतरो, ऊपर तो हम नेता चढ़ रहे। क्या नाम है आपका? इस्लाम अंसारी। कैसे आप देख रहे हैं? तो चुनाव आ गया, वोटिंग का दौर है, कल योगी जी भी आए थे, इस बार किस पे? इंशाल्लाह योगी फूल को कह रहे। इस बार टिकट बहुत दिए बीजेपी ने मुस्लिमों को। हाँ, दिए। लेकिन लोग कहेंगे वो तो भेदभाव करे इस तरीके से। हाँ, वो तो कहेंगे, कहने वाले कहेंगे। लेकिन आप क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे भाई, क्या हम तो फूल के ही फूल को वोट दोगे। क्यों, क्या कर दिया ऐसा फूल ने? और क्या करें, और क्या करें, और किसे दे? जिसे कहो उसे देते हम तो। फूल जो है जानदार है। फूल ने ऐसा क्या कर दिया, कह रहे फूल को देंगे? नहीं, फूल ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं, आदमी की अपनी पसंद है। अच्छा, कौन कहां पर चलेगा, किसको वो लायक करता, कौन यहां काम कराने वाला। में इतनी समस्याएं हैं लोनी के अंदर, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, नाली खड़ंजोगी, जरा सी बारिश होगी तो इतना पानी भर जाएगा घुटने घुटने यहाँ तक। गाजियाबाद रोड देख लो, सहारनपुर रोड देख लो, आज तक किसी ने कुछ किया यहाँ पे, है ना? अब क्या होगा, अब कुछ होगा, जो चेयरमैन बनेगा अब उसको वोट दिया जाएगा, जो विकास के बारे में सोचेगा, जो विकास के कार्यों को पहले प्राथमिकता देगा उसको वोट दिया जाएगा। मतलब जाति धर्म देख के नहीं देना इस बार वोट, विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे वोट है हमारा, सभी मुस्लिम भाइयों का विकास के मुद्दे पे वोट है। जो भी मुद्दा होगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। ना यहाँ हिंदू मुस्लिम चलेगी, लोनी में आज तक चली नहीं यहाँ, नहीं हिंदू मुस्लिम यहाँ लोनी में चली नहीं आज तक, ना चलने देंगे, ना कोई ऐसा मामला बनने देंगे कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। यहाँ है सिर्फ विकास का मुद्दा, गरीब लेबर लोग हैं यहाँ पर, सब मजदूर टाइप के लोग हैं। विकास के मुद्दे पर इस बार मतदान, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर। साहब इनसे पूछ लो, आप बताओ जी। बढ़िया बात कह रहे भाई, विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया। असली वोट जो है विकास के मुद्दे पे है। बिल्कुल त्राही माम हो रही है यहाँ पे, आप देखना कभी बरसात में आके। पैदल निकलने का रास्ता नहीं है, बाइक और गाड़ियां वगैरह की तो बात बहुत दूर की बात है। आप देखना कभी, सर्वे करना आप यहाँ का, कोई सा भी लोनी का कोई सा भी कोने उठा के देख लो, सब वोट मांगकर अपना उल्लू सीधा करके नेता है लोग यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है ना? अब 5 साल तक शिकल नहीं दिखाता कोई भी, चाहे MP हो, MLA हो, कोई भी हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, कौन पार्टी किसका है, बीजेपी का है या लोक दल का है या विकास चाहिए आपको। बिल्कुल फर्स्टली हैं किसके साथ इस बार है? किसके साथ अभी वक्त बताएगा, अभी ये बात मुद्दा नहीं है। 11 तारीख में पता लग जाएगा, 13 तारीख में रिजल्ट आएगा, उसका वो उसमें सबके सामने आ जाएगा कौन। आप क्या कहोगे भाई साहब, युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा भाई साहब, मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी और से बात कर रहा हूँ। आप बताओ भाई साहब, है जी इस बार युवा हो आपका वोट बन गया कि नहीं? देखो भाई, सबसे पहली बात तो यो है, हमारे युवा जो 12वीं करे हुए हैं, जो 12वीं करे हुए युवा हैं, जो 12वीं पास हैं, 12वीं पास युवाओं को ना मजदूरी मिल रही ना कुछ मिल रहा, तो मेरे भाइयों सबसे पहली बात यह है कि लोनी के अंदर विकास नहीं हो रहा।
आप यहाँ पे आके देखना, जिस दिन यहाँ बारिश आ जाएगी आपको भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। भाई देखो सुनो सुनो, पहले जो बात हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है, चेयरमैन हो, विधायक हो या तुम्हारा मेंबर हो, भाई हमारी बहन जो मतलब बेवाएं हैं, आज तक उनकी किसी की पिल्सन नहीं बंधी, न किसी बेवा को कुछ सहारा लगता। सबसे बड़ी बात यह है विकास, और इंशाल्लाह वोट उसे दी जाएगी जो विकास करवाएगा। कौन है वो मेरे भाई? वो तो 13 तारीख को पता चलेगा। अभी छुपा के है वो, अभी तो छुपा के है मामला। विकास भी होगा, साथ भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। माननीय नंदकिशोर गुज्जर जो है हमारे भाई है, हम ये चाहते हैं आपस में प्यार और मोहब्बत बना रहे और विकास की दूरी दूर करते रहे। विकास दूर हो, विकास दूर हो, बने विकास, विकास बने, परेशानी जो है लोगों की सभी की सब दूर हो जाए, लाइट की, घड़ोंचों की, गलियों की, ये चाहते हैं। मतलब विकास होगा तो आदमी उसका साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम आपको क्या चाहिए? हमें और आपको विकास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अपना परेशान है भाई, उनकी भेदभाव की पेंशन वगैरह इनों की सबकी जो है, गरीब आदमी की मदद करें। योगी जी लखनऊ में हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो योजना लखनऊ से चल रही है वो यहाँ पहुँच रही है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पहुँच भी रही है? पहुँच रही है, पर किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है, जो बीच में दलाल लोग हैं वो गरीब आदमी तक का चीज पहुँचा नहीं पाते, वो खुद अपनी जेब में लेकर खा जाते हैं। गरीब आदमी इंतजार करता है और उन्हें टाइम देते हैं। विकास की विकास मिल रहा है, बाकी विकास गरीब आदमी तक पहुँच नहीं रहा है। योगी जी का काम आपको कैसा लगा? तो योगी जी का काम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, काम भी अच्छा है, पर समस्या ये है गरीब आदमी की मदद नहीं हो पा रही ना। गरीब आदमी जाता है उसको धक्का मार के निकाल देते हैं, उनका जाओ हो जाए। घर बने जिस तरीके से बात चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, घर काफी लोगों के बने हैं, ऐसे नहीं नहीं बने, सबको घर भी मिला है, रोजगार भी है, पर ये गरीब आदमी रोजगार से परेशान है, समझ गए? और कुछ नहीं है भाई, ये चाहते हैं अमन और शांति रहे, भाईचारा बराबर रहे, बना रहे प्यार मोहब्बत।